हमारे पास HTML एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टाइलिंग के लिए हमारे पास एक स्टाइल एट्रीब्यूट है जो कि यूज़ होता है। इसके यूज़ करने से क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनका कलर चेंज कर सकते हैं, उनका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, और इसके अलावा स्टाइलिंग के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जो हमारे पास HTML का स्टाइल एट्रीब्यूट है उसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए आपको लेस देन का साइन और उसके बाद आता है टैग का नेम, टैग नेम, और उसके बाद हमारे पास स्टाइल एट्रीब्यूट है वो हमने यहाँ पे लिखना है स्टाइल। जैसे ही हम स्टाइल के ऊपर एंटर करेंगे और ये हमारे पास एक इज इक्वल के बाद कोटेशन मार्क्स आ गए हैं। अब इनके अंदर आपने प्रॉपर्टी बतानी है, प्रॉपर्टी, उसके बाद एक कोलन, और देन उसके बाद आपने वैल्यू सेट करनी है, और लास्ट पे आपको टर्मिनेटर लगा देना है, और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। ये हमारे पास एक बेसिक सिंटैक्स है किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग करने के लिए। ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो CSS की प्रॉपर्टी है, और ये जो वैल्यू होगी ये CSS की वैल्यू होगी। हम लेटर ऑन CSS के बारे में कंप्लीट कोर्स पढ़ेंगे, अभी बस ये समझे कि हम HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ये स्टाइलिंग सीख रहे हैं। अब हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, एक हेडिंग है और दूसरा हमारे पास पैराग्राफ है। इन एलिमेंट्स के साथ हम स्टाइलिंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये एक टैग नेम है, उसके बाद हमारे पास स्टाइल का कीवर्ड है, उसको जैसे ही हम एंटर करेंगे इसके अंदर हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कलर है कि हम इसका कलर चेंज करेंगे, और उसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पे कॉलन है, आपने यहाँ पे कॉलन लगाना है, और उसके बाद आपने वैल्यू सेट करनी है कि आपने इसका कलर क्या सेट करना है। अब हमारे पास ऑलरेडी ये देखिए नीचे कलर्स आ गए हैं, एक्वा, ये देखिए हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें, लेट्स सपोज मैं डार्क ऑरेंज को सिलेक्ट करता हूँ और हमारे पास लास्ट पे हमारे पास क्या है टर्मिनेटर। ये जो हमने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा था वो यहाँ पे मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। इसको कट करते हैं और इधर पेस्ट करते हैं, और ये हमारे पास इस टाइम कमेंट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है उसके साथ स्टाइलिंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्टाइल एक एट्रीब्यूट है, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखी है वो कलर की है वो यहाँ पे बतानी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कलर बता देना है, और यहाँ पे मैं जस्ट ब्लू वायलेट कर देता हूँ उसको, और लास्ट में हमारा टर्मिनेटर है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारी जो हेडिंग है उसका कलर चेंज हो गया और हमारा जो पैराग्राफ है उसका कलर चेंज हो गया। ये थी हमारे पास कलर प्रॉपर्टी। इस तरह आप अपने एलिमेंट्स के जो टेक्स्ट हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं और मोर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड कलर, इस प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे जस्ट हमें बैकग्राउंड, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे हमने डार्क ऑरेंज सेट की है, और इसका भी हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं, और अब इसको रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, जो हमने यहाँ पे सेट किया था वो हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने दो एट्रीब्यूट्स के बैकग्राउंड कलर को चेंज किया। आप बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सिंपल स्टाइल लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड कलर की है, और उसके बाद कोलन, और यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी
कि आपने उसकी वैल्यू क्या रखनी है। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू, यहाँ पे मैं डार्क ऑलिव ग्रीन है उसको सिलेक्ट किया है, और उसके बाद हमारे पास टर्मिनेटर है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखें जो हमारी बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। इस तरह आप अपने बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है फॉन्ट साइज। इससे क्या था, जो हमारा HTML एलिमेंट है आप उसका जो साइज है वो डिफाइन कर सकते हैं, आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए आप वो करते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो फॉन्ट साइज है। ये देखिए हमारे पास फॉन्ट साइज है, और यहाँ पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको वैल्यू दे सकते हैं। अब मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 500% दे देता हूँ, और यहाँ पे फॉन्ट साइज, और इसका मैं डिफाइन करता हूँ 300%, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फाउंड का साइज है वो इंक्रीज हो गया। हेडिंग का मैंने 500 दिया है, और हमारे पास जो पैराग्राफ है उसका मैंने 300 दिया है। तो इस तरह आप अपने जो फाउंड है उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट अलाइनमेंट है। मतलब आप इस प्रॉपर्टी से क्या करते हैं कि जो आपके पास HTML एलिमेंट है उसकी हॉरिजेंटली जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप वो करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट अलाइन, और आप इसको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं। अब मैं लेट्स सपोज इसको सेंटर करता हूँ, और इधर मैं प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन, और इसको मैं राइट कर देता हूँ, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट था HTML का उसकी मैंने अलाइनमेंट सेंटर की है, जो कि यहाँ पे मैंने डिफाइन की है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैराग्राफ था उसकी जो अलाइनमेंट है वो मैंने राइट की है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो उसकी अलाइनमेंट है वो राइट पे शिफ्ट हो गई है। इस तरह आप HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अलाइनमेंट, उनका साइज, उनका टेक्स्ट कलर, उनका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, और अपने जो वेबसाइट है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा स्टाइलिंग के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो भी आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। जो बेसिक चीज़ें हैं जो कॉमनली यूज होती हैं स्टाइलिंग के लिए वो मैंने आपको सिखा दी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिलेटेड आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है या ये वीडियो आपको सीखने लायक लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आपको मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के सोशल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।